सो जना पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वेटरन हमेशा को मैं कहता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। 103 मैचेस खेले बड़े क्लोज आ गए थे पाकिस्तान टीम तक और बॉब वुल्मर की तो बहुत जेरे निगरानी रहे बट कभी कभी चले ऐसा होता है। बट ताहिर से हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से। ताहिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ऑब्वियसली ये वो सीरीज है जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को मुझे लगता है ये भी चैलेंज दरपेश है। ताहिर मैं खुल के बात करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे अब इंडियन सब्सक्राइबर भी हैं कि भारत ने ये करके दिखाया है कि अगर आप अच्छा सिस्टम बनाएं अच्छा आपका सिलेक्शन हो लड़कों को आप ग्रूम करना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हुआ है। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी आप कहते ना नेबर्स आपके अच्छा कर रहे हो तो आपको भी वो अडॉप्टेशन करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द टाइम कि पाकिस्तान शुड सीरियसली थिंक अबाउट कि हमें पाकिस्तान से बाहर अच्छा करना है। यूई में हमने बहुत अच्छा किया बट आउटसाइड एशिया आउटसाइड पाकिस्तान परफॉर्मेंसेज नहीं है। और दिस साउथ अफ्रीका सीरीज स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ देयर की प्लेयर इन द वनडे एंड मेजॉरिटी आफ्टर टू मैचेस एंड देन एंटायर T20 सीरीज पाकिस्तान शुड टेक इन फुल एडवांटेज ऑफ इट। देखिए सिंपल सी बात ये है कि किसी से भी सीखने का मरहला खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके पड़ोस की टीम हो या ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या साउथ अफ्रीका की टीम हो। अगर वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है वो आपको देनी चाहिए सबसे पहली बात। सेकेंडली वो लड़कों की अप्रोच कैसे चेंज हुई वो आपको बतानी चाहिए। थर्डली आपका कैप्टन का कॉन्फिडेंस कौन सा है, क्या कैप्टन की सिलेक्शन में उसका अमल दमल है, उसकी जो कैंप लग रहे हैं उसमें कितना अमल लग रहा है। तो ये सारी चीजें इन द एंड कैप्टन पे ही आती है कि कैप्टन किस तरह से वो चीजों को प्रमोट कर रहा है। आपके वो यंग लड़के जो डेब्यू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में वहां वो परफॉर्म कर देता है, परफॉर्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे हरा के उनको आए, तो ये तो कॉन्फिडेंस लेवल तो कहाँ चला गया इनका, टॉप ऑफ द लाइन चला गया ठीक है इनका। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहां से उनको फास्ट बॉलर आने शुरू हो गए। एमआरएल क्रिकेट एकेडमी है वो अब इतनी अच्छी हो गई है कि जो जहां पर पहले फास्ट बॉलर नहीं आया करते थे इंडिया के सरजमीन से अब वहाँ फास्ट बॉलर आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स आ जा रहे हैं। तो यही तो चीज है कि यहाँ आप पाकिस्तान क्रिकेट भी आहिस्ता आहिस्ते वो ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं हो रही लेकिन इट टेक्स टाइम। अगर कोई ऐसी चीजें आपको लगती हैं कि आपको लगता है कि यार ये अच्छी चीज है हम अडॉप्ट करते हैं किसी पड़ोस टीम से या किसी से भी तो अच्छी चीज आप इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको फायदा दे गई तो आपका भी फायदा और दूसरी लड़कों का भी फायदा, अगर नहीं देगी तो जस्ट मूव ऑन। फिर आप किसकी तरफ आपको फोकस होना चाहिए वो फिर आपको देखना ठीक है। जिसमें मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि ऑब्वियसली जो सारा ये मामला है मतलब भारत की जो प्रोग्रेस है पाकिस्तान का जिसने आपने बात भी की कि इस चीज़ को हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं बट ऑब्वियसली क्योंकि 90s में हमने बड़ा डोमिनेट किया है तो हमारे बारे में वहाँ बहुत सारे इस तरह की डिस्कशन हमने देखे हैं। आज तक लोग उस पाकिस्तान के ग्रेट एरा को याद करते हैं जब हमारे सुपर स्टार थे वसीम वकार सकलैन इंतमाम यूसफ यू नेम इट बहुत बड़े बड़े इमरान खान साहब और जावेद मेदार तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट है पाकिस्तान के। बट हम चूंकि इसी से बात कर रहे हैं ना ताहिर चूंकि अब हम ये बात को होता हुआ देख रहे हैं कि भारत में यंगस्टर्स भी आके परफॉर्म कर रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया इसी तरह अगेंस्ट इंग्लैंड भी उनकी परफॉर्मेंसेज जो है आउटस्टैंडिंग रही है। उन्होंने पहला टेस्ट हार के तीनों टेस्ट जीत लिए 2-1 था 3-2 कर दिया 1-1 होने के बाद आखिरी मैच में वो भी बैरियर तोड़ दिया इस सीरीज में। मुझे लगता है उस पर आप बात करिए टॉस का बैरियर भी टूटा खुदा करके रखेंगे क्या सिर्फ T20 और वनडे में आप चेस करेंगे तो जीतेंगे। भारत ने करके दिखाया कि नहीं अगर आप रन अच्छे बनाएंगे अगर आपके यहाँ प्लानिंग अच्छी है। अगर वही सबसे बड़ी बात नटराजन ने कैच जरूर ड्रॉप किया बट मैच को उसने फिनिश भी किया तो ये कॉन्फिडेंस ताहिर किस तरह आप समझते वहां आया क्योंकि आपने इतनी फर्स्ट क्लास खेली और पाकिस्तान में थोड़ा सा भी थोड़ी सी कमी दिखाई देती है कि हमारा यंगस्टर जब PSL से उठ के जब T20 में जाते हैं उस जगह तो परफॉर्म करता है बट वनडे और टेस्ट में क्या हम सही लड़के सेलेक्ट नहीं कर रहे इसकी ये वजह है कि वो परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पा रहे। देखिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल लड़कों का आपकी डोमेस्टिक आपको कॉन्फिडेंस लेवल देती है, आपके डोमेस्टिक के कोचेस आपको कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं, आपका डोमेस्टिक का कप्तान आपको कॉन्फिडेंस लेवल देता है। अगर जिस मुल्क की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा उसकी मैन मैनेजमेंट अच्छी होगी आपके पास लड़के अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम। पहले हम बात करते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम 90s में जबरदस्त हुआ करती थी 87 का वर्ल्ड कप जीतने वाली आपकी 83 का वर्ल्ड कप इंडिया वो बड़ी जबरदस्त थी उस टाइम पे। फिर एक सडनली चेंज आया ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतते चले गए किसी को खातर खा ही नहीं ना वनडे हो गया ठीक है फिर अचानक से चेंज होना हुआ शुरू हुआ। तो ये तो सारी चीजें चेंज होती हैं लेकिन चेंज क्यों होती हैं वो अडॉप्टेशन आपने लेनी है। तो वो इंडिया के मैं समझता हूँ कि इंडिया ने ली है अपने आईपीएल से ब्रांड से। आईपीएल का लड़का आपको देखे इंडिया की टीम के नहीं आता वो अपने T20 की जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर ही वो लेते हैं
रणजी ट्रॉफी हो गई, दूसरी ट्रॉफी हो गई, वहीं से वो लड़का वो ग्रोम कर दे, वो कभी भी आईपीएल के लड़के को एकदम लाके खड़ा करते, क्योंकि उसकी वजह ये कि उनको पता है कि लड़के को अगर डोमेस्टिक में एक दो साल तीन साल वो नहीं उसको रगड़ा लगेगा तो उसको नहीं पता लगेगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम यहाँ पर अगर चार फर्स्ट क्लास मैच खेलता है, पांच खेलता है, हमारे अगर जो हमारी जो ब्रांड लीग है पीएसएल में परफॉर्म करता है, अपना टीम में ले जाता है टी20 के अंदर, फेयर इनफ, ठीक है, लेकिन टी20 से आप फोर डे में लेके जाना, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैं समझता हूँ ये जो इंडियंस ये शायद गलती नहीं कर रहे इसलिए सक्सेसफुल है, ठीक है। ताहिर ऑब्वियसली हमने तारीफें तो बहुत की इंडिया की, क्योंकि ऑब्वियसली जीत रहे, बट अब जो उनका इस साल टूर है फॉर इंग्लैंड, बट आई थिंक दिस गोइंग टू बी रियल टेस्ट, क्योंकि इंग्लैंड की जो इस लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, इवन टेस्ट क्रिकेट के अंदर शायद वही बेहतर हो सकते हैं, बट आई थिंक असल इम्तिहान तो वही होगा, और वहां पर अगर इंग्लैंड ने बाकी इंडिया ने अच्छा कर दिया तो फिर वो दुनिया की बेहतरीन टीम खिलाएंगे। देखिए ऑब्वियसली इंडिया को चांसेस तो हैं, क्योंकि इंडिया की सबसे अच्छी चीज़ है कि उनकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत टफ हो चुकी है, अब वो ये नहीं देखते कि जी कंडीशंस कैसी हैं, क्या उन्होंने अपनी क्रिकेट खेलनी है, वो सिर्फ बाउंस पे रिलाय करते हैं कि किन पिचेस पे किस तरह से किस अगर बैट्समैन है तो वो कितना वो उसकी बॉडी डाउन होगी, कितना वो स्ट्रेट रहेगा, वो सिर्फ उस हिसाब से वो खेल रहे हैं, अब वो अकॉर्डिंग टू द बॉल वो देखते हैं, अगर आउटस्विंग हो रहा है तो जी वो कवर मारने जा रहे हैं, अगर वो इनस्विंग हो रहा है तो वो मिड विकेट मारने जा रहे हैं, अब वो क्रिकेट खत्म हो चुकी है कि जी की जो बॉल बाहर है आपने लेफ्ट कर दिया, क्योंकि आपने चार रन के एवरेज से खेलना ही खेलना है पूरे दिन में, अगर आप चार रन के एवरेज से खेलते हैं तब जाके आपके 300+ रन होते हैं पहले दिन में, चाहे कहीं पर भी आप खेलें, तो ये इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके न्यूजीलैंड हो गए, इंग्लैंड हो गई, इन्होंने क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि अब हमें अगर हम उस लेवल पे आना है तो हमें बेसिकली इस पैटर्न पे कब आना, आपने बिल्कुल ठीक बात की, मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ तहत, कि जैसन राय की आप बैटिंग देखें या अगर आप देखें रोहित शर्मा की, और इसी तरह अगर आप देखें ऋषभ पंत को दे दें, अभी तो उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट हमारे पास ये हैदर अली जैसा एक मैं यूथ में इसको काउंट कर रहा हूँ, जिसने आके वो फेयरलेस बैटिंग की इंग्लैंड में जाके, बट वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए अक्रॉस तीनों फॉर्मेट में, आपके ख्याल में क्या हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे अपने कोचेस को, अपनी पिचेस को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ प्ले को इस तरह बनाना ही पड़ेगा ना, तब वो लड़का जाके वहाँ खेलेगा, उससे जबरदस्ती तो आप नहीं कह सकते कि जा भी तुम जैसन राय की तरह बैटिंग करने शुरू हो जाओ या ऋषभ पंत की तरह थोड़ा सा तुम भी दिल बड़ा करके दिखाओ, क्या एग्जैक्टली करना पड़ेगा ताहिर के हम भी उस लेवल तक पहुंचे। देखिए टू बी ऑनेस्ट सबसे पहली बात आपको फिटनेस लेवल आपको टफ करनी पड़ेगी, आपको अपनी जो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट है, अब बहुत अच्छी क्रिकेट हो गई है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि जो दो साल से ये स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ सबसे अच्छी चीज है, तो हमने पिछले साल देखा हर एक साल बाद चेंज हो जाता था, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब हमारा क्या काम है, हमें कॉन्फिडेंस देना है अपने उस लड़के को जो टी20 फॉर्मेट का है, हमने कॉन्फिडेंस देना है ओडीआई के लड़के को जो ओडीआई का है, और हमने कॉन्फिडेंस देना है जो टेस्ट के या फोर डे क्रिकेट फर्स्ट क्लास पे, हमें उसको कॉन्फिडेंस देना है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की ही बात है, आप आज लड़के को कॉन्फिडेंस दें ना वो कल परफॉर्म करे और तब पाकिस्तान टीम में आए या इंडिया की टीम में आए ऑस्ट्रेलिया की टीम में, सिर्फ कॉन्फिडेंस का ही प्रॉब्लम है, हम दो मैच नहीं होते हम लड़के को ड्रॉप कर देते। दूसरी टीम क्या करती है, मैं ऑस्ट्रेलिया के सेक्शन की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, न्यूजीलैंड की बात करूँ, इंग्लैंड की बात करूँ, इंग्लैंड क्योंकि लीग क्रिकेट हम खेलते हैं, बाकी मैं काउंटीज की बात करूँ, वो चार चार पांच पांच मैच देते हैं लड़के को, उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है अब आप डिवीजन टू में जाए, अब आप वहां परफॉर्म करें, वहां नहीं हो रहा फिर आप उनकी अकेडमीज में जाए जो लीग क्रिकेट खेले, वहां से फिर आप परफॉर्म करते हुए आए, तो उसको वो ड्रॉप नहीं करते कि जी घर भेज देते हैं, तो ये जो घर भेजने का सिलसिला है ना वो अब हमें चेंज करना पड़ेगा, वी नीड टू मूव ऑन अगर आपको कम्पीट करना है इन चार टीमों से आगे जाके, ठीक है। आखिर में साउथ अफ्रीका सीरीज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली लबादा, फाफ, मिलर, क्विंटन डिकॉक ये सारे उनके स्टार्स हैं, और दो वनडे के बाद ये नहीं होंगे और टी20 सीरीज में तो नहीं होंगे, अब पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टिल मैं ये तो समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में जिन भी लड़कों को चांस देगा, मैं नहीं पता भी उनके नाम या उनके खेलता होता है उनको देखेंगे उनके बारे में पहली बार तो इतना तो मुझे पता है कि वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को तंग तो करेंगे क्योंकि उनका कंपेटिटिव स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान हमेशा वहाँ स्ट्रगल करता है, बट मैं बात करूँगा ताहिर कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि क्रिकेट अब बोल रही नहीं, आई थिंक वरिंदर सहवाग या अर्शद गिल ने जमाने में इसको चेंज कर दिया था कि भाई आपने शुरू में आते ही अटैक करना है, और इसीलिए वो कहते हैं ना अटैक फ्रॉम द वर्ल्ड को, क्या आपने दूसरे को ये चीज गिलके से की थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने इतने अर्से वर्ल्ड चैंपियन भी तीन साल मुसलसल वो तीन वर्ल्ड कप जीते 1999 से 2007 तक, अप्रोच हमारी मुझे लगता है वो कहते हैं ना कश्ती को सेल करना है तो उसको एडजस्ट करो कि आपकी सिम्त क्या है,
आपकी रफ्तार तो मैटर करती है पर सिम्ट भी मैटर करती है कि आप करना क्या जा रहे हैं इस साउथ अफ्रीका की टीम में जितने जिसको आपने ऑलरेडी अपने मुल्क में हरा दिया। एक चीज तो समझ में आ गई कि इतनी बड़ी टीम माजी की नस्बत नहीं है या पॉल डोनाल्ड कैलिस या इतने बड़े बड़े नाम होते थे, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो इस टीम में बहुत सारे प्लेयर जाने के बावजूद भी ऐसा ना हो कि हम डिसअपॉइंट ही हो रहे होता है आखिर में कि यार ये तो उनके बगैर भी जीत गए। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, वहाँ पे मिसबा मौजूद है, बाबर की जैसे आपने पुराने में बात करते कितना उसको कोहली की तरह एक फ्रीडम होना चाहिए एज अ कैप्टन की वो लीडर दिखाई दे, उसके अलावा कोई लीडर दिखाई ना दे रहा। देखिए बात ये है कि वही बात बोलूंगा कि अगर आपके अपोनेंट कोई भी आ रहा है इस वक्त उन्होंने नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया कि जी हमारे रिप्लेसमेंट क्या होगी, तो वो सरप्राइज पैकेज होगा हमारे लिए। आपने बॉल को देखे, अगर हमारा बैट्समैन है वो बॉल को देखे, बॉल को खेले, ना कि वो नाम को देखे यार कौन बंदा है क्या है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है या तो हम नाम में देखते हैं कि जी नाम अगर जेम एंडरसन बॉल कर दो जेम एंड भाई वो बॉल ही तो कर रहा है, आपके पास अभी बैट है आप बैट से तो खेल रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। आप फिगर नहीं देखो कौन बंदा है सामने, आप बॉल को बैट से खेलो बैट को बॉल से खेलो, सिंपल सी बात, सिंपल सी फिलॉसफी क्रिकेट की ऐसी होती है। एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम को मैं समझता हूँ शायद अब हमें फ्रीडम दिया है हमने इस सीरीज में जो सीरीज अभी आ रही है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है फिर और भी काफी टफ सीरीज आ रही है, तो यहाँ पर बाबर का कॉन्फिडेंस का आना जरूरी है। साथ साथ जो आपकी यंग लॉट आप लेके जा रहे हो उन यंग लॉट को भी तो आपने आगे चांस देना है ना, कि हफीज शोएब मलिक आज नहीं तो कल तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से हटेंगे, उनकी रिप्लेसमेंट तो आपके पास नहीं है लेकिन आपको बनानी पड़ेगी, हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो सोर्सेस कम है टाइम भी कम है लेकिन आपको चांस देना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े दिल के साथ। आप क्रिकेट आखिरी सवाल था आपसे कि बाबर को ऑब्वियसली आपने कप्तान बनाया, लोग इस पे मैं भी शायद कहता हूँ कि शायद स्पेशली टेस्ट में वो ना होते वनडे और टी20 में होते, बट एक चीज अच्छी है कि बोर्ड ने चले फ्यूचर को देखा कि यार तीनों फॉर्मेट में आपके यंग कैप्टन हो, अब स्टेक होल्डर्स में आप भी हैं मैं भी हूँ फैंस भी हैं, आपके ख्याल में हमारा भी क्या रोल है बतौर मीडिया बतौर खिलाड़ी बतौर फैंस बतौर एक्स क्रिकेटर्स कि वो भी इस सिस्टम को, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि रातों रात तो बाबर नहीं बनेंगे बड़े प्लेयर या बड़े कप्तान, प्लेयर तो बड़े हैं पर कप्तान को बनना है, सो आई थिंक वी शुड हैव पेशेंस और आई थिंक सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए इवन क्रिकेट बोर्ड को भी कि वाजर अली की तरह कल को तब्दील ना कर दें, तो ये बड़ा मसला है कि जहाँ मीडिया प्रेशर आया हमारे वाजर के साथ कि हमारा क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है मीडिया प्रेशर बहुत देता है, हालांकि हम मीडिया में जो बात करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि तब्दीली हो जाए, हमारा काम है बतौर ऑब्जर्वर उस चीज को हाईलाइट करना। भारत में मैं देखता हूँ कि सिवाय तो एक अनिल कुंबले वाला सहगा हुआ जहाँ अनिल कुंबले को घर जाना पड़ा, बट उसकी जगह रवि शास्त्री आए और कल मुझे विजय लोकेपाली बता रहे थे कि एक्चुअली रवि शास्त्री से पहले जो अनिल कुंबले जो एक बेस बना गए थे उसी को उन्होंने ऊपर ले गए, मैन मैनेजमेंट उनकी जो थी जो उनका कल्चर था हमारे यहाँ, आई थिंक हम सबको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सब स्टेक होल्डर्स को कि टाइम दें आप बाबर को दोनों वर्ल्ड कप दें 2023 का उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो चेंजेस कर रहा हो, क्योंकि अगर चेंज अप कर दिया बाबर को भी चेंज कर दिया तो फिर तो डिजास्टर ही लगता है मुझे, आई थिंक बाबर इज अवर होप राइट नाउ। देखिए बिल्कुल, क्योंकि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन अगर आपको बनाया गया तो इट मीन्स के दे नो कि हमें लॉन्ग लास्टिंग में चलना है, ग्राम स्मिथ हमारे साथ सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, कोहली हमारे पास एग्जाम्पल है, आप साथ साथ देखें ऐसे माजी में और भी स्टीव वॉकी में बात करूँ जब उस वक्त वनडे और टेस्ट होते थे तो दोनों ही कैप्टनसी वो करते थे, तो ये आपको देना पड़ेगी चीज, वसीम अकरम नजर आए शाहिद आफरीदी नजर आए एक वक्त पे करते हुए, तो ये तो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और बाबर को एक कॉन्फिडेंस और भी देना है कि जी आप ये हमारी जो भी सिलेक्शन कमेटी आपको टीम दे रही है तो आपका 50-60% इनपुट होना चाहिए और उनको एग्री करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड सवाल तो आप कैप्टन से करेंगे कि जब अगर टीम हारेगी कोई भी चीफ सिलेक्टर या कोच से सवाल नहीं करता, तो एक तो ये चीज हमारे कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए कि अगर आपको अथॉरिटी किसी को दे रहे तो फिर उसी से ही सवाल करें, नहीं तो फिर उससे भी कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। आखिर में जाहिर है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसपे ऑब्वियसली भी बड़ा प्री मेच्योर है, बट ऑब्वियसली चले इस बायस में नहीं पढ़ते कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज होनी है नहीं होनी, बट ये जो नहीं हो रही आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या फायदा है कि इसमें भारत बहुत तगड़ा है हमने उनसे आ रहे हैं तो और एक मसला है, या समझते नहीं जो भी अच्छी टीम होती है आप उससे हार के भी सीखते हैं, जैसे कि इंग्लैंड अगर इंडिया से इस बार हार के गया तो मुझे लगता है वो अगली जो भी एशियन टीम थी जिसने खेलना उनके खैर नहीं है, बिकॉज वो इंडिया से मार खा के भी सीख के गए होंगे, उनको वर्ल्ड कप में वर्ल्ड T20 वापस आएंगे उनको पता है कि उनके पास कौन से ग्रे एरिया थे, उनको तो मजे ना आ गया उनको तो उनको उसी साल ऑब्वियसली अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गई। इस इंडिया पाकिस्तान सीरीज का ना होना भी कितना एक की फैक्टर है इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये बात तो एडमिट कर लेनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जरूर जीते थे, बहुत बड़ी जीत थी उस दिन पाकिस्तान ने आउट क्लास किया, बट कंसिस्टेंसी अगर पिछले 5 साल की
ये मैं 10 साल की देखे, भारत बदतरतीब बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान इंडिया सीरीज ना होने का नुकसान या फायदा, ये दोनों एलिमेंट कैसे देखते हैं? देखिए ऑब्वियसली सीरीज का ना होना तो बहुत फैंस को स्पेशली बहुत नुकसान है, हम लोग भी उदास होंगे, इवन क्रिकेटर्स भी उदास होंगे, सब चाहते हैं कि ये पड़ोसी मुल्क है, आप पड़ोसी मुल्क ही अगर आपस में क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर आप दूसरे मुल्क में जाकर क्रिकेट खेल रहे होंगे, आपके पास प्लेयर डेवलपिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इवन इंडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर रोडे सन्नाटे, रोडों पे कोई ट्रैफिक नहीं होता, सब लोग अलग टीवी के सामने बैठे होते हैं और एक होके खेल रहे हैं, चाहे कितनी भी कौमें आपकी उसमें डिवाइड हुई हुई होती है, सब या तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी को देख रहा होता है, इंडियन इंडिया को देख रहा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये हमें नुकसान इस चीज का होगा। सेकेंडली अगर ये होता है तो हमारे पास प्लेयर ज्यादा हमें मिलेंगे, हीरो बनते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता तो ऑब्वियसली हीरो कहलाता है, पाकिस्तानी अगर कोई परफॉर्म करता है इंडिया के खिलाफ तो भी हीरो कहलाता है, ये तो फैक्टर आते ही आते हैं। और इस चीज का क्रिकेट को खासा फायदा, प्लस जितनी इंटरनेशनल सीरीजेज है ना वो सब भी चाहती है कि जी, और जो ब्रॉडकास्टर्स है, मार्केटिंग है, स्पॉन्सर्स है, वो सब चाहते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया मैचेस हो, ना होना वो तो ऑब्वियसली ये चीज है, लेकिन आई होप कि अगर ऐसी कोई होप अभी जगी की बीच में जैसे हम चीज आई थी कि प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आई होप कि आगे चलते अगर कोई ऐसी विंडो मिलती है तो ये सीरीज होनी चाहिए। ताहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश की कि आज एक डिफरेंट डिबेट रखें, क्योंकि भारत की जीत थी, पाकिस्तान की आगे सीरीज आ रही है, फिर एक स्ट्रक्चर है पूरा जिसको समझने की जरूरत है कि क्या वजह है कि एक जो क्रिकेटिंग नेशन है वो आगे बढ़ रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं कि हम पहले भारत की जगह थे, सब मानते हैं इस चीज को, 90s में 80s में, अब जाके टेबल टर्न हो गया है, बट इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, और ये डिबेट पूरी नहीं, शायद बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हो कि भारत की तारीफ कर रहे थे, तारीफ नहीं कर रहे भाई, इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली क्या अच्छा है, और कल को शायद हम उनसे बेहतर हो जाए अगर उन चीजों को हम भी इम्प्लीमेंट करें। बट थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप, चाहे इंडिया से पाकिस्तान से, और कुछ कीजिएगा कंस्ट्रक्टिव बात की है तो कंस्ट्रक्टिव ही आपका जो है वो फीडबैक या क्रिटिसिज्म हो। एपिसोड देखने का बहुत शुक्रिया।